सरकार बड़े बड़े दावे करती है और मंचों से भाषण देती है कि सरकारी जमीन पर अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए कठोर नियम बनाने के साथ कागजों में लिखवा कर नियम धरातल पर उतारती है और यह प्रदर्शित करवाया जाता है कि प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, मगर परिणाम होता है शून्य। उसका कारण निर्बल प्रशासनिक क्षमता के आला अधिकारी जो धरातल पर कठोर नियमों को कड़ाई से पालन करवाने में असक्षम रहते हैं, क्योंकि वो वहां जाते हैं, वहां अपना समय पूरा कर वहां से बिना विवाद के निकलना पसंद करते हैं और जनहितकारी कठोर नियम प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव में धरातल पर आते आते हमेशा की तरह ही निष्क्रिय हो जाते हैं और इससे इन नियमों की विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा कम हो जाता है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार इन दिनों सरकारी जमीन को अतिक्रमण से कब्जा मुक्त कराने की कवायद में जुटी हुई है और इसी के तहत अभी कुछ समय पूर्व लहार विधानसभा क्षेत्र के दबोह उप तहसील क्षेत्र में नगर पालिका की हद में आने वाले आरजी सर्वे नंबर 606 की 200 बीघा चरनोई भूमि को दबोह उप तहसील के तहसीलदार धर्मेंद्र चौहान द्वारा बड़ी कार्रवाई कर अंजाम दिया गया था ताकि इस क्षेत्र के गौवंश निश्चिंत होकर वहां विचरण निश्चिंतता से अपना पेट भर सके और यह भूमि हमेशा के लिए उनके लिए ही सुरक्षित हो सके और इस मुहिम को जनता के द्वारा खूब समर्थन भी प्राप्त हुआ था और कार्रवाई के उपरांत शासकीय अतिक्रमण की गई भूमि से उपजी फसल को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कर राजसात करने के आदेश भी तहसीलदार द्वारा धर्मेंद्र चौहान के द्वारा जारी किए गए थे, मगर विडंबना यह है कि प्रशासन पर राजतंत्र हमेशा से हावी बना रहा है और इसी के चलते ऐसे अधिकारी जो कुछ समाज के लिए हित के लिए कठोर कार्रवाई को अंजाम देते हैं या तो वो राजनीतिक दबाव का हिस्सा बनाए जाते हैं या फिर तबादला कर कहीं दूर भेज दिए जाते हैं और उन्हें ये सिद्ध कराया जाता है कि आपके द्वारा की गई कार्रवाई से हमारे वोट बैंक की राजनीति खराब होती है और इस तरह शासन की जनता के हित में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना ठंडे बस्ते का शिकार हो जाती है। और यहाँ भी यही हुआ कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए उप दबोह तहसील के तहसीलदार धर्मेंद्र चौहान को इस कार्रवाई के मात्र 18 घंटे बाद यहाँ से हटाकर इस बड़ी कार्रवाई का बड़ा इनाम पुरस्कार के रूप में दिया। इधर एक ईमानदार अधिकारी जाते हैं, नर्म पड़े प्रशासन के रुख पर अतिक्रमणकारी फसल लुटेरों ने धावा बोल दिया और रातों रात बेफिक्री से फसल काट कर घर ले गए। जब समाचार प्लस भिंड की टीम ने मौके पर मुआयना किया तो वहां पर सिर्फ कटी फसल के निशान पाए गए। जानकारी उपलब्ध करने पर पाया गया कि तहसीलदार धर्मेंद्र चौहान द्वारा जिन किसानों पर कार्रवाई की गई थी वे तो बेचारे प्रशासन के डर के मारे खेतों पर गए ही नहीं और जो आरजी सर्वे नंबर 606 की 200 बीघा चरनोई अतिक्रमण भूमि पर जो उपजी फसल थी उसे अज्ञात फसल लुटेरे रातों रात फसल लूट कर ले गए। और अब जब समाचार प्लस की खबर प्रकाशित होगी उसके बाद जब प्रशासनिक अमला जागेगा और मौके पर जाकर राजसात फसल की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाएगा तो वहां पर मिलेंगे कटी फसल के निशान और कार्रवाई की लीपापोती कर दी जाएगी। अब क्षेत्रीय लोगों की भिंड कलेक्टर से मांग है कि इस अतिक्रमण मुक्त हुई भूमि पर जल्द सीमांकन करवाएं ताकि भविष्य में पुनः भूमाफिया इस पर कब्जा ना कर सके और बेजुबान जानवरों के लिए स्वतंत्रता युक्त वातावरण निर्मित हो सके। समाचार प्लस के लिए भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट। महोदय एवं प्रशासन से ये निवेदन है कि जो भूमि पे खड़ी हुई फसल राजसात की गई थी श्रीमान जी धर्मेंद्र सिंह चौहान तहसीलदार द्वारा, उस फसल का कोई अता पता नहीं है और इतना भी नहीं है, चलो ठीक है जो भी है हुआ है उसका ढो, लेकिन जो जमीन बची हुई है उसको ही सीमांकन कर सुरक्षित कर दिया जाए तो जिससे भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा न कर सके। यही हमारा उनसे श्रीमान महोदय जी से और प्रशासन से निवेदन है। फसल के बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, उसकी जानकारी तो खैर नहीं हो पाई, लेकिन अगर मौका पर देखा जा रहा है तो वहाँ तो उसकी फसल के थोड़े थोड़े वो गुड़ दिखाई देते हैं, लेकिन फसल का कोई पता नहीं चल रहा है तो उसको कहाँ खुर्दबोद की गई, कैसे कैसे कटी है, कैसे गई है। हम धर्मेंद्र जी का कोट कोट धन्यवाद पहले तो देते हैं कि उन्होंने ये मुहिम चलाकर हम सभी क्षेत्रवासियों को जागृत किया है और पशु रक्षा के लिए प्रेरित किया है, प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं वो, और हम सभी लोगों को एक मार्ग दिखाने की कोशिश की है उन्होंने। प्रशासन की ओर से उनका तबादला करा दिया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं, इसके प्रति हम कुछ कह नहीं सकते। चरनोई भूमि अभी अतिक्रमण से मुक्त हुई है, लोगों की मांग है कि यदि आप वहाँ सीमांकन अगर करवा देते हैं तो बेजुबान जानवरों के लिए चारे की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी और वे बेफिक्री से चल सकेंगे वहाँ पर। मैं यहाँ का जो रेवेन्यू टीम को आपने आपके माध्यम से ये प्राप्त हुआ है, रेवेन्यू टीम को मैं निर्देशित करूँगा कि जरूर इसमें संज्ञान लेके इसमें कार्रवाई करें।